श्री राम। तो आज मैं आई हूँ श्री राम की नगरी अयोध्या में। अब हम चलते हैं, रामलीला के दर्शन करते हैं और आज का पूरा ब्लॉग अयोध्या के ऊपर होने वाला है। मेरे पीछे ये जो घाट है इसका नाम है राम की पौड़ी घाट। यहाँ पे सारे श्रद्धालु पहले स्नान करते हैं, उसके बाद रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं। श्री राम बाबा जी, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप? आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी भी। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, एक घंटे से हम लोग लाइन में लगे हुए थे। अभी भी आप पीछे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। थक गए। जय श्री राम। मेरे पीछे लॉकर रूम्स हैं, मंदिर में फोन अलाउड नहीं है, तो हम यहाँ पे अपना फोन और बैग सब जमा करेंगे, उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। हमारे रामलला के दर्शन, बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, आँख में आंसू आ गए थे। मतलब कुछ ऐसी फीलिंग थी जो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती वर्ड्स में। बस सबके लिए अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, मेरे लिए बहुत अलग था। मैं और मेरी दादी लिटरली हम लोग रोने लगे थे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। मतलब एकदम सुकून वाली फीलिंग है, मंत्र हो गया ये कह सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, फिर कुछ खाते हैं और फिर अगर टाइम बचा तो अयोध्या एक्सप्लोर करते हैं। प्रसाद मिला है हमें, इसमें है बेसन का लड्डू और इसे हम घर जाके खाएंगे, सबके साथ शेयर करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।
दर्शन, अब हम जाते हैं कुछ खाने। इतनी भीड़ थी कि हम सब अलग अलग हो गए, दादी बुआ अलग, मैं निशा अलग, सब अलग अलग फैल गए हैं। अब ढूंढते हैं उन लोगों को और मिलते हैं, कुछ खाते हैं फिर।